मारा करते हूँ हाँ देखिए यू मारेगा टक्कर, और वो बिठा के छोड़ दिया करते उन्हें बुरी तरह, किसी का सींग टूट जाता, किसी का पूछड़ टूट जाता। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तय लड़े हैं और मारे देवता विमान में बैठकर आगे, देवता माने अच्छी आत्माओं को देवता कहते हैं, ये अच्छी आत्मा है, इनको फूल बरसाओ, उनको प्रकाश शाबाश बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लगे रहो। अब आगे दिखाते हैं फिर क्या होता कि इन दोनों का युद्ध होता रहा, काफी सेना मर गई। तब युग काल ने एक रचना रची, ये क्या करता है कि जैसे इसने शिव रूप धारण कर लिया, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 10 और 11 में दिखा कहता है कि ये मेरा विराट रूप अर्जुन और मैं आप सबको खाने को आया हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में कहा कि ये मेरा विराट रूप, ये मेरा ओरिजिनल वास्तविक रूप है काल का, मुझ काल का, और इसको ये इसके तेरे अतिरिक्त पहले किसी को मैंने इसका प्रदर्शन नहीं किया, नहीं दिखाया। तो कहने का भाव ये है कि ये ऐसे आता है, वहाँ वो शिव रूप में आ गया, शिव जी के रूप, और उससे पहले उन दोनों के लड़ाई कर रहे थे, दोनों के बीच में एक तेजो में स्तंभ खड़ा कर दिया, बहुत लंबा चौड़ा, एक जैसे शीशे का मूसल सा हो ऐसा खड़ा कर दिया, बहुत लंबा चौड़ा। अब लंबा ना बता करके ये कहना चाहता है दास के इनका युद्ध तो बंद हो गया। फिर ये काल स्वयं शिव रूप में प्रकट हो गया, इन दोनों को समझाने लगा कि तुम अपने आप को स्वामी मान बैठे, तुम अपने आप को ईश मानते हो, तुम ईश नहीं हो, तुम प्रभु नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। ये देखिएगा, यह है पृष्ठ नंबर 17 पर शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 पर आ गया। अब नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने, यानी इस काल भगवान ब्रह्म ने शिव रूप में आकर नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उस सबको अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। फिर आगे बताया है कि और उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के लिए कहा। अब 30वां श्लोक 9वें अध्याय का, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते, पहला स्तंभ रूप है और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है। क्योंकि पहले तो मेरा मूसला था, मूसल ओ हमारा रूप, ये मूर्ख बनावा है, और अब ये मेरा मूर्तिमान रूप मैं तुम्हारे सामने हूँ, इसमें ब्रह्म निष्कल है और ईश रूप सगुण है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा, ये मेरा ईश रूप है, मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते, इस कारण तुम दोनों ने अथवा दूसरों को, तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना यह बड़ा अद्भुत हुआ, इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। तुमने जो अज्ञानता से अपने को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा काल। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ, मैं ही परब्रह्म हूं, देख यू बता रहा है, मेरे ही अकल अकल रूप हैं, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि ही मेरा कर्तव्य है, सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, सत्व और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं, मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है,
मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ है। अब देखिए आगे क्या कहता है, ये 18 पृष्ठ पर नीचे देखेंगे। हे पुत्रो, ये काल कह रहा है शिव रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। यह सिद्ध हो गया ब्रह्मा विष्णु और महेश से अन्य है जो शिव पुराण का ज्ञान बोल रहा है वो काल है, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने में समर्थ नहीं है। बस इतना ही काफी, हमने यहां से इतना ही लेना था। अब प्रसंग ये चल रहा था कि नीमा को जो परमात्मा बालक रूप में स्वयं प्रकट हुए, आप ही मिले आकर के और नंबर बन गए शिव जी के, और शिव भगवान ने पुत्र दे दिया। तो पुण्यात्माओं, ये शिव जी भगवान या ब्रह्मा जी भगवान या विष्णु जी, ये ईश नहीं है। अभी आपने पढ़ लिया, ये हमें केवल हमारा वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसने कर्म किया उतना ही दे सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। गरीबदास साहिब जी जिनको परमात्मा मिले वो बता रहे हैं कि मासा घटे ना तिल बधे, विद ना विधाता लिखे जो लेख, यानी प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना ब्रह्म, ये काल भगवान भी नहीं कर सकता। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर देव और उनका जो कृपा पात्र संत, उन्हीं की शक्ति से ये परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ नीमा बड़ी खुशी मना रही है, बहुत खुश होगी पुत्र प्राप्त करके। अब नीरु स्नान करके आया। अच्छा, पुण्यात्माओं, ये समस्या आती है क्योंकि हम परमात्मा से अपरिचित हैं, उनकी महिमा से अपरिचित हैं, लेकिन श्रद्धालु होने से हम भगवान से आशा पूरी रखते हैं कि वो हमें कुछ अननेचुरल करके देवे, कोई चमत्कार करे। अब यहाँ कई बार भक्तों के मन में शंका आती रहती है कि कमल के फूल पर नवजात शिशु कैसे रह सकता है, वो कैसे वो कमल का फूल सहन कर सकता है। एक बार ये दास अभी इस झूठे केस में जेल में गया था, वहाँ एक पुलिस कर्मचारी था, वो आ जाते वहाँ बैठ जाते, उनकी ड्यूटी होती थी, तो दास से कहते कुछ चर्चा सुनाओ, हम अपने भगवान कबीर जी के बारे में जानकारी देते हैं। वो सुनता रहता। एक दिन वो अपने आप कह रहा है कि महाराज जी, मैंने एक बथुए का पेड़ इतना बड़ा देखा कि इस जो हमारी कैद कोठड़ी ही थी वो अच्छी 10-12 फुट की थी, कि इससे भी ऊपर और इतना मोटा, यानी कम से कम 7-8 इंच डाया उसका पेड़ तना, और ऊपर इतना लंबा 12-13 फुट का इतना ऊंचा बथुए का पेड़, और उसे सब्जी ये साग बनाते हैं, और हमारे ही एक जेल कर्मचारी के घर पे है, मैंने देखा। मैंने कहा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तो बथुए का पौधा ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट का व्याकर है, घना हो जाता है 2-2.5 फुट का। हमने देखा, हम भी किसान के गर्दन में हदास का,
ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 फुट का कोई एक आधा की तो छुपा रहे जब वो जड़े में वो या करे, और वो 12-13-14 फुट का हमने मान लिया कब से हो सकता है। बात आई गई हुई। एक दिन फिर चर्चा चली, मैंने सुनाई यही कथा कि कबीर जी नीरू नीमा को लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर मिले थे। वो कर्मचारी कहने लगे, महाराज हंसा पहले तो अक देख और आपकी बात मान लूँगा पर यह बात क्यों कर देते है, इतना बड़ा कमल कैसे हो सकता है कि बबच्चे के वजन में उठ ले कम से कम 4-5 किलो का तो होगा। मैंने उससे कहा हौलदार जी, एक दिन आप कह रहे थे कि मैंने बथुए का इतना बड़ा पेड़ देखा इस मकान से भी ऊपर है, इस बैरग से भी ऊंचा, इतना अच्छा मोटा तना था उसका। यदि आप किसी और को कहोगे कोई मानेगा, बथुआ मैक्सिमम कितना हो सकता है 2 फुट का। बोला हाँ जी, आपको इतना बड़ा देखा, अजी मैं ये कहूँ कि नहीं हो सकता तो एकदम उसकी बुद्धि सेट होगी। अग जी ठीक हो, जब परमात्मा ने यह अनहोनी कर रखी तेरे सामने कि जो 1.5 फुट मुश्किल से होता है 2 फुट का बथुआ और 12 फुट लंबा ऊंचा, तो वहाँ परमात्मा ने एक कमल का फूल ऐसा मजबूत बनाने में क्या दिक्कत भाई। ने बोला जी सही कह रहे, आपने सही कहा, मान गया मैं, आप बाहर जाओगे आऊँगा और उपदेश लूँगा। मैं बोला भाई ये तो बागा वाले मिल लेगा, आ जावे हो, 3 साल हो गए हमने जेल से आया नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि जहाँ अड़क जाती है परमात्मा ऐसे उदाहरण देता है कि परमात्मा के पहचान में आज कोई दिक्कत नहीं आवेगी। अब नीरू ने सोचा कि भी पहले तो हम मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से तो हमारी कोई जान पहचान रही ना, मुसलमानों से हमारे विचार मिलते नहीं, और अब हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे कोई कहेगा किसी का चुरा कर लाए हो, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला है, लोग नो कहेंगे तुम झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बच्चा कभी नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। उसने अपनी पत्नी से सारी अपने मन की सोच बताई और कहा नीमा इस बालक को यहीं रख दे, ये बच्चा तो हमारे पास रहेगा नहीं, हमें नगरी से निकाला और मिल जाएगा, हमें जोर देकर पूछेंगे बताओ ये बालक किसका है, कहाँ से लाए हो तुम, हम क्या बताएंगे, नीमा इस बच्चे को यहीं रख दे। अब नीमा को तो परमात्मा ने ऐसा सम्मोहित कर लिया, उसके कभी मुख को देख रही है, कभी अपने भगवान शिव को अपना मुबारकबाद दे रही है, और नीरू कह रहा तुम मेरी बात सुन मैं क्या कह रहा हूँ। वो कहने लगी जी मैंने सारी सुन ली आपकी बात, लेकिन मैं इस बच्चे को छोड़ नहीं सकती, मैं मर सकती हूँ पर इस बालक ने नहीं छोड़ूंगी, इसने पता नहीं कि जादू कर दिया मेरे, मैं नहीं जी सकती इसके बिना, मुश्किल से भगवान ने दया करी है। नीमा ने कहा कि मैं इस बच्चे के साथ नगरी से निकाला भी ले लूँगी, मैं इसको त्यागूंगी नहीं। अब नीरू ने पहले अपने जीवन में प्रथम बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ उठाया, कहने लगी तू मेरे प्यार का, मेरी नम्रता का नाजायज फायदा उठा रही है, मैंने आज तक किसी भी बात का विरोध नहीं किया तेरी का, यह जानकर के इसका बालक नहीं है, और यदि मैं इसको थोड़ा सा भी डांटूंगा तो ये दुखी गणी हो जाएगी, पर आज तूने हद कर दी है, एक नहीं मान रही है मेरी, ऐसा हाथ किया था कि तेरे मारूंगा ना तो रख दे बच्चे को। तभी परमात्मा उस नीमा की गोदी में बोले कि नीरू तू मुझे घर ले चल, तुझे कोई आपत्ति नहीं आपकी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अब नीरू डर गया,
कि छोटे से बालक में कहीं कोई